हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सरोजनी नगर पार्ट टू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा सरोजनी नगर का पहला ब्लॉग तो देख ही लिया होगा। अब उसमें हमने आपको आधा मार्केट दिखाया है, अब बाकी का बचा हुआ मार्केट हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। इसमें आपको और भी सस्ते कपड़े, ज्वेलरीज वगैरह और यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है वो आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए 100 रुपीज में शॉर्ट स्कर्ट्स, और वाओ, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। 100 रुपीज में तो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले। आए, मेरा तो होश उड़ रहे हैं, रेट देख देख के इनके। अरे ये ले, 50 रुपीज की बनी है। सही है। और जो ये टी शर्ट्स मैंने अपने हाथ में ली हुई हैं, ये 50 रुपीज़ की है। इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप वॉक करने के लिए या घर के यूज़ के लिए इनको ले सकते हैं। 100 और 200 रुपीज़ के जो टॉप हैं, क्रॉप टॉप्स हैं, पैंट हैं, स्कर्ट है, शर्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। और ये देखिए, ये 100 रुपीज़ के ओवरकोट देख के तो सही में बाय गॉड मेरे तो होश ही उड़ गए। ये ओवरकोट सही में बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और ये काफ़ी मोटे थे। दिल्ली में अभी ठंड आने वाली है तो 100 रुपये में इससे बेटर और इससे अच्छे जैकेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये एकदम वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। ब्राउन अच्छा कलर कर जाएगा ना। 100 रुपीज में यार मानना पड़ेगा। ये क्या है, कॉप क्रॉप टॉप। 100 रुपीज में क्रॉप, 200 रुपीज में क्रॉप टॉप। ये शॉर्ट कुर्ती है 200 रुपीज में। इसकी क्वालिटी और कपड़ा काफ़ी अच्छा था। ये सारी शॉर्ट कुर्तीज कॉटन की थी। और ये देखिए 100 रुपीज में जीन्स। और हम थोड़ा आगे गए तो हमें 200 रुपीज में भी यहाँ पे कोट की काफी अच्छी वैरायटी दिखी। 200 में तो कहीं नहीं मिलेगा। ये फुल ओवर कोट है ठंड का। क्वालिटी भी कितनी अच्छी है, देखो ना। बहुत बड़ा है, मैं तो इसमें डूब जाऊंगी। मैं तो पूरी डूब जाऊंगी इसमें। 150 में भी कॉटन है। फुल नहीं है, ये कुर्ती है। अगर आप कीचेन लवर हैं, आपको अच्छे पैटर्न के कीचेन्स का कलेक्शन करना पसंद है, तो इस मार्केट में आपको एक से एक वैरायटी के कीचेन्स मिल जाएंगे। सही में इतनी वैरायटी के कीचेन्स तो मैंने कहीं नहीं देखे थे और इतने सस्ते हैं। 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के रेंज में आपको बेस्ट कीचेन अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 50, ये वाले 50 के हैं, ये 30 के हैं ऊपर वाले ना।
कितना सॉफ्ट है इसका, कितना सॉफ्ट है इसका, ये ना देखो 30 में वो मस्त है, 30 में खींचे गाड़ी में टांगने के लिए कह रहा है ये बिल्ली। ओके सारा ओके माल कर दिया 100 में आओ लेना है, इससे ऊपर नहीं बढ़ूंगी मैं, 50 अच्छा लग रहा है, मस्त है ना, अच्छा भी लग रहा है, नहीं लग रहा अभी ये ले सकती हूँ, यूनिक मिलते नहीं है ऐसे इयर रिंग्स चाहिए मुझे, हाँ अच्छा लग रहा है वो दे बताओ यहाँ तक हो रहा है क्या? यहाँ की फेमस गली है ये है फेमस गली, एंटिक पीस मिलता है यहाँ पे, ये पूरा डेकोरेशन का आइटम है यहाँ पे, अरे वाह ये अपने वाला वो क्या, हाँ सेम, कितने का लाया था ये, यहाँ कितने का, यहाँ कितने का, फोटो प्रिंट भी वुडन के हैं देखो यहाँ पे, है ना यूनिक है एकदम, देखो एंटिक पीस है पूरा भैया, फोटो फ्रेम कितने का, 1200 से स्टार्टिंग है, तीन तीन वाला जो है जिसमें तीन, अच्छा Okay. अरे रेड कलर का नहीं है ना, अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, क्या टेडी बियर, मुझे गिफ्ट कर देना बर्थडे में, बड़ा वाला कितने का, येलो वाला 1600 का, बड़ा कम हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा 1600 का घर ही फोन निकल जाए हाथ तो मिल जाए, एक ही कलर है उसमें, एक ही कलर आता है, दो कलर है, अच्छा एक वो है एक येलो है, एक वो नीचे ग्रे कलर का है, और ये छोटे वाले कितने का है, 100 रुपये, ये सब 100 रुपये के, फिनिशिंग वाला हाथी था, कॉटन है, सिंगल है तो ये क्या है 50 में, ये 50 में हॉट पैंट 50 रुपीज में हॉट पैंट, बट बहुत पतले हैं ये, बहुत हल्के हैं यार, बहुत पतले हैं, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, हंड्रेड से नीचे का फिर कितना है इसमें, पैंट सही है, 100 की सही है, यहाँ तो 3000-4000 रुपये भी कम है शॉपिंग के लिए, इतनी सस्ती पैंट्स कहीं नहीं मिलेंगी, ऊपर से ये स्ट्रेचेबल नहीं है, तो इस मार्केट में जो बीच बीच में सामान बेच रहे हैं ये बिल्कुल पीछे पड़ पड़ के दिमाग ख़राब कर देते हैं,
तो अगर आपको नहीं लेना तो एकदम लोएस्ट प्राइस बताइए ताकि वो आपका पीछा ही छोड़ दें। हमारे पास भी आया था, हमने सीधा 20 रुपये बोला, आया ही नहीं दोबारा। इसमें तो मैं डूब जाऊंगी। 5 लोग आएंगे। अरे वॉक वगैरह के लिए सही रहता है ना, लूज नहीं लेकिन ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है 200 में। ये जैक एंड जॉन्स के साले हैं, सॉफ्ट है लेकिन काफ़ी ना, काफ़ी सॉफ्ट है ये। हाँ तो दिखा दो, एक्सपोर्ट सरप्लस। अच्छा एक्सपोर्ट आइटम है इसलिए। कितने का अभी? 50 रुपीज के पैडेड ब्रा। 300 लगा के अच्छा ये वो फेमस गली जहाँ पे ओवरकोट कोट और ये सब मिलते हैं, शर्ट ना ठंड का आइटम ओवरकोट है यहाँ पे। मैडम चारों पाई है, सारे ओवरकोट है यहाँ पे, अच्छी अच्छी वैरायटी है। इस साइड भी वही है, ठंड आ गई क्या? देख याद देख के लग रहा है ठंड आ गई क्या? आज यार 100 रुपये में ले लो, गर्मी वाला सर्दी वाला कोट आ गया, सर्दी के तूफान 100 रुपये में। सौ रुपये हो गया, 100 रुपये मुझे आ जाएगा, निकालो मुझे आ जाएगा। हाँ ये तो इसके अंदर स्वेटर वगैरह पहनने के लिए जैकेट है, ये ऊपर से ना, ऊपर से जैकेट है। भैया बोले जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, बारिश आने वाली है। मैंने कहा लेडीज है, जल्दी कुछ भी चूज नहीं कर सकते। हम तो टाइम लगाएंगे भाई, नहीं लेना। ये सिंदूरदानी है ना, क्या भैया इसमें? अच्छा डिब्बी कितना डिब्बी है क्या? ये 3 पीस का सेट। अच्छा 3 है, क्या रखते हैं इनमें? सिंदूर वाहन बरता दो। अच्छा 3 का सेट है ये, 150 रुपये का है कोई भी? ये तो सिंगल है। ये भी सिंगल है, महंगा है। अच्छा ये सिंगल सूत्र ब्रेसलेट भी है, कैसे भी है मंगल सूत्र? पीछे पर डला हुआ 110। इयररिंग्स भी है इसमें? नहीं इयररिंग्स इसमें है, इसे भी छोटा चाहिए छोटा मिल जाएगा। ये सब कान का है? हाँ एक कान, ये काला तो नहीं हो जाता? ये नहीं मैडम, ये काला होने वाला नहीं, इसी की कीमत होता है ना, जरकन का कीमत होता है, काला नहीं पड़ेगा। ये कितने का? ये 180 का। टेढ़ा हो रहा है वो तो, सीधा हो जाएगा, लोग ऐसे दिखाते हैं ना कस्टमर। 50 छोटे छोटे ऑरेंज, वाह अच्छी है ना, फ्लावर्स की दुकान मस्त है। वाह ये भी ना कितना प्यारा लग रहा है फूल। अरे अभी काम है
ऐसे ही नहीं उसको बोलते हैं, दिल्ली का नंबर वन मार्केट सरोजनी मार्केट, मार्केट में दम है रणवीर। कितने का भाई? 250 रुपये गिलास है, बैम्बू टी बहुत अच्छा ले। 200 दे दे। हमने पूरा सरोजनी मार्केट घूम लिया, मुझे लग रहा हमने आधा घूमा है और आधे में हमारी वाट लग गई। काफ़ी बड़ा है ना ये, हमने तो आधा ही घूमा, पूरा घूमा पता नहीं, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा नहीं घूमेंगे। भाई मेरे फ्रेंड्स, यहाँ के रेट वैरायटी पैटर्न रियली ऑसम है। आप अगर सरोजनी मार्केट नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएँ। मुझे तो काफ़ी डिफरेंट लगा, मैं इतने सारे मार्केट में गई लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगा मार्केट। यहाँ पर जब भी आप आएँ तो याद रखें यहाँ बार्गेनिंग बहुत चलती है, बहुत मतलब बहुत चलती है, मतलब आप बेशरम हो जाए यहाँ पे आके बार्गेनिंग के बारे में। अगर वो 200 बोले तो 50 बोलो सीधा, तभी आपको आके यहाँ पे प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप लुट जाओगे यहाँ पे। और ये मार्केट दिल्ली के सेंटर में है तो यहाँ पे आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप कहीं से भी आएंगे आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन, और बस से आना चाहे तो बस से भी आ सकते हैं। यहाँ का नियरेस्ट बस स्टॉप है सरोजनी नगर बस डिपो, और वहाँ से ये वॉकेबल डिस्टेंस पे है, 5 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैं भाई इस मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लेके आई थी कि भाई यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत चलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दबा के बार्गेनिंग की। मुझे तो मज़ा आ गया भाई शॉपिंग करके। फ्रेंड्स, अगर आप सरोजनी मार्केट आना चाहते हैं या यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो मंडे को यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि मंडे को ये मार्केट बंद रहता है। और इस मार्केट की खुलने की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 9 बजे तक ये मार्केट खुला रहता है। अगर आप मॉर्निंग में आने का प्लान कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे या 11 बजे यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे दुकानों की बौनी होती है तो आप ज़्यादा बार्गेनिंग कर नहीं पाएंगे और वो ज़्यादा सस्ता रेट करते नहीं हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे आएँ तो 1 बजे के बाद ही आएँ, उस टाइम आपको अच्छा रेट भी मिल जाएगा और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस घंटे के हिसाब से लिए जाते हैं। हम लोग तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आए हैं, देखते हैं अब हमारा कितना पार्किंग चार्ज लेता है वो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।